नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ तहसील सरोजिनी नगर में अवध बार एसोसिएशन के एडवोकेट राजेश सिंह अध्यक्ष के नेतृत्व में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए एडीएम प्रशासन व एसडीएम व तहसीलदार के समकक्ष अपनी बात कहते हुए सरोजिनी नगर तहसील में भूमाफियाओं व प्रॉपर्टी डीलर एवं खनन माफियाओं के द्वारा तहसील परिसर अवैध असलहा कट्टा एवं राइफल से लैस होकर वरिष्ठ अधिकारियों के समकक्ष आकर अपना रौब दिखाकर अपने मन माफे कार्य कराने में सफल हो जाते हैं। इसलिए आज एडवोकेट राजेश सिंह आपत्ति जताते हुए एडीएम प्रशासन को अवगत कराते हुए कहा कि सरोजिनी नगर तहसील नवनिर्मित भवन में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए तहसील परिसर में किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो, लेकिन तहसील परिसर में असलहा ले जाने की अनुमति प्रदान न की जाए। इस बात को स्वीकार करते हुए सहमति एसडीएम साहब के द्वारा सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अधिकारियों ने सख्त निर्देश जारी किया था, साथ ही गेट पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाने की बात कही। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों के ऊपर रसूखदारों की मनमानी से निजात मिलेगी। आज राजेश सिंह एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ सभी अधिवक्ताओं ने एडीएम साहब के फैसले की सराहना करते हुए तहसील प्रशासन के निर्णय के फैसले पर खुशी जताई, साथ ही अधिकारियों को धन्यवाद एवं बधाई दी। सर बताएं अपना क्या समस्या है सर आपकी। तहसील दिवस में आज हम लोग सरोजिनी नगर बार एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष और महामंत्री अविनाश ओझा जी और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी और रोहित सिंह, नितेश पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित सिंह, गुरिंदर तिवारी द्वारा एक लिखित ज्ञापन दिया गया है। एडीएम महोदय तहसील दिवस में उपस्थित थे। यहाँ कुछ जो है भूमाफिया, अराजक तत्व, प्रॉपर्टी डीलर, ये लोग जो है राइफल बंदूक लेकर के काफ़ी संख्या में परिसर के अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण तमाम बातकारी कर्मचारी ये सब डरे सहमे रहते हैं और अधिवक्ता भी अपने बचाव के लिए ज्ञापन दिए। उस पर एडीएम साहब ने आर्डर किया है कि अब जो है यहाँ कोई भी अराजक तत्व या भूमाफिया या कोई भी असलहा परिसर में जो है प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसो के लिए एडीएम साहब ने मार्क कर दिया है, चिट्ठी जारी हो जाएगी आज। और दोनों गेटों पे लाइट, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए कहा गया है। एसडीएम साहब और एडीएम साहब ने आर्डर किया है नगर निगम को, एक दो दिन के अंदर ये भी लग जाए, नहीं तो हम लोग भी आगे की कार्रवाई डीएम साहब से मिलकर के बताएं। और आगे तहसील परिसर के आगे इतनी खूबसूरत तहसील बनी है, उसके बावजूद आगे नाला काफ़ी डीप खुदा हुआ है, उसके लिए भी हमारे महामंत्री अविनाश कुमार ओझा जी ने कहा कि सर इसमें पुलिया डरा करके पूरे आगे पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे तहसील की भी खूबसूरती बढ़े और यहाँ आने जाने वाले लोग, जिसके कारण जो है कुछ लोग उसी में बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं बादकारी, गिरे और वो सब चोटें न लगे, उसके लिए भी ज्ञापन दे दिया गया, उस पर भी आर्डर हुआ है नगर निगम को। अब आगे की अगर ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं तो आगे की रणनीति जो है अधिवक्ता लोग हम लोग बैठ करके तय करेंगे इसके लिए क्या संघर्ष करना है। और सर्वप्रथम हम ये भी बधाई देना चाहते हैं तहसील प्रशासन को, माननीय उप जिला अधिकारी सरोजिनी नगर सिद्धार्थ जी को और तहसीलदार मीनाक्षी द्विवेदी और दोनों नायब तहसीलदार लेखपाल कानून को, सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि पिछली दो बार से जो है तहसील हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस निस्तारण में फर्स्ट आ रही है। उसके लिए सरोजिनी नगर बार एसोसिएशन की तरफ से एवं महामंत्री अविनाश कुमार ओझा की तरफ से और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी की तरफ से एवं समस्त बार की तरफ से और अधिवक्ताओं की तरफ से जो है पदाधिकारियों को जो यहाँ तैनात उप जिला अधिकारी और उनके साथ कार्य कर रहे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।